एडिशनल का क्वेश्चन है, सर मेरा एनुअल में बीए हुआ है और मैं इलेक्टिव इंग्लिश का एडिशनल मेरे ख्याल देना चाहती हूँ, और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मेरा एनुअल एग्ज़ाम के पेपर 3 साल देने होंगे या फिर एक बार में ही तीनों ईयर के पेपर हो जाएंगे, सर प्लीज़ रिप्लाई। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपने जब एडिशनल देना है तो अगर वो एनुअल है, दूसरा भी मैं बता देता हूँ, एनुअल है दूसरा सेमेस्टर है, ठीक। एडिशनल पेपर आप दे रहे हो, यहाँ पर लिख लिया मैंने एडिशनल, तो एनुअल में क्या है आपके फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, पेपर ए हो गया, बी हो गया, नॉर्मली ए बी दो पेपर होते हैं, कई बार तीन पेपर भी होते हैं मेरे ख्याल में मैथ्स के, तो ये 6 पेपर एनुअल के आपके विद इन 1 मंथ ही हो जाएंगे अगर आपकी एनुअल में है। तो अगर ये सेमेस्टर में है तो ये दिसंबर में आधे हो जाएंगे, ठीक है, और आधे इसमें से जहां आधा पार्ट उनका दिसंबर में हो जाएगा, जैसे दिसंबर में होता है सेम 1 और सेम 3, अच्छा अगर उल्ट पुल्ट हो जाए तो ठीक कर लेना, और 2 और 4 है ना, तो यहां पर आपके फर्स्ट और थर्ड के यहां हो जाएंगे, सेकंड और फोर्थ के यहां हो जाएंगे, तो ये डिवाइड हो जाते हैं, ये आपका सिलेबस हल्का कर देते हैं। एनुअल में है कि आपके 1 मंथ में 40 महीने, मतलब जो ग्रेजुएशन 1 ग्रेजुएशन 2 BA 3 की डेट शीट होती है उसी में ही आपके पेपर होते हैं, वो देख लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी से देना चाहते हो, उतने चिर में मेरे ख्याल में 40 दिनों के करीब में वो सारे पेपर हो जाते हैं, तो ये 3 साल आपको पेपर नहीं देना पड़ेगा, ये बताना चाहता था। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।